यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं, वो चाहे सरकार से नाराज विधायक हों चाहे योगी सरकार के समर्थक। इन दिनों बीजेपी के विधायकों की पूछ ज्यादातर ओबीसी विधायक इन दिनों मौका बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी में सुनवाई के कई खेमे बन गए हैं। कुछ लोग केशव मौर्य से मिलकर अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो कुछ सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में सीएम योगी प्रयागराज डिवीजन के विधायकों की मीटिंग रखते हैं, जिससे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नदारद रहे। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग सीएम आवास पर हुई, जिसमें प्रयागराज डिवीजन के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य गायब थे, वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद से लगातार कयासों का बाजार गर्म हो गया। सीएम योगी ने ये मीटिंग मौजूदा हालातों को बेहतर करने के लिए रखी थी, जिसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो कमियां रहीं, जिनकी वजह से बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कम सीटें मिलीं। इस मीटिंग में बात हुई कि कैसे आने वाले चुनाव में और उपचुनावों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं की क्योंकि इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि वो विधायक नहीं है, दूसरा ये कि दोनों ही डिप्टी सीएम किसी भी जोनल मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा पहले से निर्धारित किया गया था। हाल के दिनों में देखा भी गया है कि ज़्यादातर विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने मुलाकात में अपना दर्द, खासकर अफसरशाही का दर्द बयान कर रहे हैं और वही बात ये मीडिया के साथ भी साझा कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल में पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगता है तो मुख्यमंत्री न सिर्फ तुरंत वक्त दे रहे हैं बल्कि मुलाकात भी कर रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री लगातार हर एक मंडल की प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, खासकर वहां के विधायकों, एमएलसी, सांसद और मंत्रियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और अफसरशाही को लेकर उनकी शिकायतें भी पूछ रहे हैं। उधर केशव मौर्य के पास जाने वालों में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का नाम सबसे ऊपर है। राज्य का राजनीतिक तापमान तब बढ़ गया जब आजमगढ़ की बैठक में ओम प्रकाश राजभर नहीं गए थे, जबकि उसी शाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, जिसकी फोटो केशव मौर्य की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अगले दिन संजय निषाद भी पहुंचे, लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ है सीएम योगी और दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अब ये अदावत किस दिशा में जाएगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।